तो नाइट में हमने जहाँ स्टे किया था और वहाँ से अब हम निकल रहे हैं, तो कुछ इस प्रकार का यहाँ का नज़ारा था। और ये हमारी बाइक, और जो रात को हमने गेट दिखाया था आपको, ये सही से दिख नहीं पाया था। शहर है और काफ़ी बढ़िया सा लग ही रहा है, और आगे बढ़ते जाते हैं हम, चलते हैं लेक की शोला सबसे पहले। ये एक धर्मशाला है जिसमें 200 से लेकर 500 तक के कमरे मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही विशाल है भाई। और वो है, ये वो चीज़ है जो रात को हमने दिखाई थी, अंधेरे में दिखी नहीं थी। और फतेह मेमोरियल एक, ये भी धर्मशाला है, और एक आपको हमने अभी धर्मशाला थोड़ा सा आगे बताया, तो ये कुछ ऐसा सीन था इसका रात। तो भाई ये सामने जो है सूरज पोल है, सूरज पोल और उसके पीछे कुछ गार्डन नजर आए, और जस्ट इसके पीछे जो आप देख रहे हैं ये है भाई उदयपुर की, उदयपुर स्मार्ट सिटी का जो है एक स्मार्ट पार्किंग स्टैंड यहाँ पे बनाया हुआ है, और जिसमें तकरीबन 50 कार जो है आराम से पार्क हो सकती है। और इसमें है लिफ्टिंग वाला सिस्टम है हर, मतलब कार के लिए, जैसे ये कार यहाँ पे हुई तो ये चेन के द्वारा, मतलब ये सारा सिस्टम है इसमें, जैकिंग सिस्टम है, जो ऊपर तक मतलब जो है कार इसमें बढ़िया से पार्क हो सकती है। तो भाई इस तरह की पार्किंग की जो है, मैं चाहता हूँ कि अपने उज्जैन शहर में भी एक बढ़िया सी इस तरह की पार्किंग की व्यवस्था हो, ताकि जिससे कम से कम जगह में ज़्यादा ज़्यादा कार जो है वो अपन पार्क कर सके। और ख़ास तौर पे सिंहस्थ के लिए और महाकाल क्षेत्र में इस प्रकार की जो है एक पार्किंग की बहुत ही ज़रूरत। तो भाई साहब ये जो चीज़ उदयपुर में बहुत प्यारी देखने को मिली हमें, ये इंदिरा रसोई योजना जो 8 रुपये में पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन जो यहाँ पर दिया जाता है, सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि, मतलब सुबह 8 से दोपहर 2 और 5 से रात को 9 बजे तक यहाँ पर जो है वो बढ़िया सा भोजन प्रोवाइड किया जाता है। और हम दोनों ने सोचा कि हम भी आज यही खाना आज लेंगे, तो अभी अभी जो है अभी बना नहीं है, बस 10 मिनट में तैयार हो जाएगा, तो हम थोड़ा सा देखते हैं फिर क्या करते हैं। तो ये यही बस स्टैंड के पास में चुरा है, और इसी के पास में हम जो है यहाँ पर चुरा पूरी ली हमने 20 रुपये सुबह लेके और फिर आगे। और ये दूसरी ट्रिप सब्जी 6 मिनट 6 सेकंड में ही खत्म हो गई हमारी। शाही गोल्ड भाई, जैसा कि मैंने बोला था आपको, ये हम आ गए हैं फतेह सागर। सामने का नज़ारा जो है, तो ये है भाई फतेह सागर झील, और क्या पानी वानी बिल्कुल बढ़िया पानी भरा हुआ है इसमें, फुल पानी, और बहुत ही, तो वो सामने जो दिख रहा है वो है मानसून पैलेस, और बहुत ही प्यारा नज़ारा है भाई। नहीं रहना हमारे साथ हमारे ब्लॉग में, और पता, मैं भी फर्स्ट टाइम ही आया हूँ यहाँ पर, तो कई चीज़ मुझे भी पता नहीं है कि किसे क्या कहते हैं और किसे क्या नहीं कहते हैं, तो राजू भाई से कई चीज़ मैं पूछूंगा, और बाकी जैसे जैसे मुझे पता चलता जाएगा मैं आगे आके आपको चीज़ें बताते जाऊँगा, और जैसा भी रहेगा वो मैं आपको पूरा बता कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या सुबह सुबह लोग पार्किंग जॉगिंग वगैरह के लिए भी आते हैं, क्योंकि पूरा जो किला, ये रोड चारों तरफ इसी तरह से बनी हुई है, जो कि बहुत ही बढ़िया यहाँ से नज़ारा देखने को मिलता है। और आप देख रहे हैं पीछे, जस्ट पीछे मेरे पहाड़ भी है और चारों तरफ पहाड़ी है, तो भाई बहुत ही प्यारा सीन है, और बिल्कुल बने रहे तो हर पल कुछ नया, जैसे कि हम बता रहे हैं आपको हर पल कुछ नया आपको देखने को। रास्ता बना हुआ है यहाँ पर, लोग सुबह सुबह जो है वॉक वगैरह करते हैं, रनिंग वगैरह करते हैं, साइकिलिंग वगैरह करते हैं, क्योंकि यहाँ का जो नज़ारा है बहुत ही प्यारा नज़ारा देखने को मिल ही रहा है, क्योंकि आसपास पहाड़ों, जैसे अभी छाँव में थे हम तो थोड़ा सा अंधेरा टाइप था, और अब जैसे ही हम सामने आ गए हैं तो बिल्कुल। अभी ओपन हो ही रही है, सुबह सुबह का टाइम है, तो वो जो खुल गई है भैया भीड़ आप देखने को मिल जाएगी बढ़िया सी, और वाकई में लीक का पानी भी बढ़िया साफ है, और बोटिंग वगैरह की भी व्यवस्था बहुत प्यारी है यहाँ पर, बोटिंग वगैरह भी आप आराम से कर सकते हैं अगर आप यहाँ। तो मैंने बिल्कुल भी सोचा क्या बात है, ऊँट महाराज बैठे हुए हैं आराम से, और ये चाट वाट बिल्कुल सभी प्रकार की चाट यहाँ पर अपन को चाट को चाटने को मिल जाएगी, बहुत ही प्यारी चीज़ है भाई।
और ये शायद बोटिंग के लिए यहाँ पर रुके हुए थे। तो और ये भाई राजस्थान आओ और ये नज़ारा देखने को ना मिला तो क्या ही बात है यार, वाह खूबसूरत बेहतरीन। ये जो ऐसा लग रहा है जैसे भोपाल का जो बड़ा तालाब है और जो वीआईपी वाला जो रोड है उस टाइप का थोड़ा सा फील हो रहा है, लेकिन पहाड़ों की वजह से कुछ अलग ही भाई उदयपुर के मज़े ही कुछ हो रहा है। वाकई में दिल खुश कर दिया भाई तुमने यार। ओके, और ऊंट महाराज भी तैयार हैं, घोड़ियाँ तैयार हैं, बग्गी तैयार है, भाई सब तैयार है। आप तो बोलो आपको किस चीज़ में सैर करना। और ये क्या है, चलेगा भाई? झीलों की नगरी उदयपुर में आपका हार्दिक स्वागत करता है, स्वागत है महाराणा प्रताप स्मारक समिति मोदी नगर उदयपुर। और कुछ देखेंगे नज़ारा, बहुत ही प्यारा नज़ारा है और ये जस्ट आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही प्यारा उदयपुर की झील है ये। ये उदय सागर झील के नज़ारे हैं और बीच में जो है महाराणा प्रताप का स्मारक वगैरह कुछ बनी हुई है वहाँ पे 20 साल में। तो अगर प्लान बनता है तो हम वहाँ पर भी जाएंगे और देखेंगे कि कैसा क्या है वहाँ का और जाने की क्या है। शायद बोटिंग बोट में जाते हैं, सामने बोट है और यू जाने का सामने जो ब्रिज वगैरह लगा वहाँ से टिकट वगैरह कुछ लेना पड़ती है। टिकट लेने के बाद बोट से और बोट से सीधा वहाँ पर महाराणा प्रताप जी की स्मारक के पास वहाँ पर ले जाते हैं। तो भाई कहा था ना मैंने हर पल इम्पोर्टेंट है और आप बस बने रहे हैं हमारे साथ, हर पल कुछ नया देखने को मिलेगा। भाई ये है अपनी फतेह सागर झील और ये सामने देख ही रहे हैं बहुत ही प्यारा सा, इसमें दो शायद आई थिंक हाँ ये सामने जो है सामने ये जो बिल्कुल बीच तालाब में बना हुआ है और एक वहाँ पर बना हुआ है और ऊपर जो है मॉनसून पैलेस देखने को मिलेगा और बहुत ही प्यारा जो है यहाँ से बढ़िया सा सीन देखने को मिल रहा है। पिकनिक मनाने के लिए बहुत ही प्यारी जगह है और आप बोटिंग कर सकते हैं यहाँ पर, तांगा वगैरह चला मतलब तांगे की सवारी कर सकते हैं, कैमल राइडिंग कर सकते हैं। तो बहुत ही प्यारी चीज़ है यहाँ पर वाकई में, देखो मैं तो फिदा हो गया है। और अब हम जाएंगे सज्जनपुर और सॉरी सज्जनगढ़ उर्फ मानसून पैलेस, वो जस्ट सामने चलते हैं।